सोनारी में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए 4 दुकानों को हटाया गया। चांडिल में निर्माणाधीन सड़क पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल टैक्स वसूले जाने का किया जा रहा विरोध। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक द्वारा जनहित के लिए की जाने वाली 9 योजनाओं का किया गया शिलान्यास। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में एक बार फिर प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जहां सोनारी के बालीचला स्कूल के पास जिला प्रशासन ने 4 अवैध अतिक्रमण कर बने दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। सभी दुकानें अवैध जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। अतिक्रमण हटाने के विरोध की आशंका को देखते हुए मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि किसी प्रकार का विरोध ना हो। हालांकि कुछ लोगों ने अपने दुकानों के कागजात दिखाए, मगर मौजूद अधिकारियों को संतुष्टि नहीं कर पाए। अंत में अधिकारी के आदेश पर सभी 4 दुकानों को, जो अवैध जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे, बुलडोजर की सहायता से उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। अधिकारी ने कहा कि टाटा कंपनी के द्वारा केस किया गया था कि उनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट के फैसले से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमणकारी अपने से अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो जिला प्रशासन अपने तरीके से अतिक्रमण हटाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा श्रीमती बेला देवी के खिलाफ केस किया गया, और उसके खिलाफ ये एलिगेशन था ना कि वो अपना जो बनाई है सो बनाई है, उसके अलावा ज़मीन को इंक्रोचमेंट करके दुकान ही बना लिया और उसको भाड़े पर चला रही थी। और यह केस जो हुआ था ना, करीब 76 में हुआ था, उसके बाद इसका रिन्यूअल हुआ था 81-88 में, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा टाटा स्टील के पक्ष में डिग्री पारित किया गया और उसके पश्चात यह दिशा निर्देश दिया गया था कि वह इस संबंध में एग्जीक्यूशन केस फाइल करे, ताकि टाटा स्टील को उसके जो हिस्से का ज़मीन है कब्जा मुक्त करके उसको दिलाया जा सके। इसी संदर्भ में एक एग्जीक्यूशन केस नंबर 6/1999 टाटा स्टील के द्वारा दाखिल किया गया था, जिसके तहत माननीय न्यायालय के द्वारा एक रिट इशू किया गया है, और रिट को क्रियान्वयन करने के लिए आज हम लोग सब आए हुए हैं यहाँ पर, और ज़मीन को कब्जा मुक्त करा करके टाटा स्टील के पक्ष में कब्जा दिलवाने का प्रक्रिया जारी है, और कब्जा दिलवा करके फिर हम लोग वापस। निर्माणाधीन सड़क पर ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल टैक्स वसूले जाने को लेकर झामुमो केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने इस विषय को लेकर दूरभाष के माध्यम से NHAI के आला अधिकारी से तत्काल तेतला टोल प्लाजा पर अवैध टोल टैक्स वसूले जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडी प्रखंड अंतर्गत तेतला के समीप चांडिल पुरुलिया रोड पर नवनिर्मित टोल प्लाजा पर सोमवार से 2 पहिए व 3 पहिए वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के 4 पहिए व बड़े भारी वाहनों से टोल शुल्क वसूलना शुरू कर दिया गया है, जिस पर झामुमो नेता पप्पू वर्मा का कहना है कि टोल प्लाजा से महज 500 मीटर की दूरी पर जामडेह के समीप रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। वहीं पितकी फाटक के पास बन रहे ओवरब्रिज का कार्य भी अधूरा पड़ा है। भालूपोचा के समीप अभी भी हाई टेंशन तार की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में तेतला टोल प्लाजा पर अवैध रूप से वाहनों से टोल टैक्स वसूलना नियम के विपरीत है। उन्होंने टोल प्लाजा के अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल टोल शुल्क वसूलना बंद करें, नहीं तो टोल प्लाजा के समीप सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आज सुबह से लोगों का फोन आ रहा है कि पाथरडी टोल प्लाजा में टोल की वसूली आज से शुरू की गई। मैं पप्पू वर्मा JMM केंद्रीय सदस्य इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जब तक पितकी ओवरब्रिज और जामडी ओवरब्रिज संपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाती है और आवागमन सुचारू रूप से नहीं शुरू होता है, तब तक मैं NHAI से मांग करता हूँ इस टोल प्लाजा को वसूली ना किया जाए। और अगर इसका टोल प्लाजा को लोग वसूली करता रहेगा तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे, क्योंकि आने वाला समय में पर्व त्यौहार का पूरा सीजन है और इस तरह से जनता पर एक्स्ट्रा बोझ ना डाला जाए, यही हम NHAI से मांग करते हैं। जमशेदपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 15वें वित्त आयोग निधि से क्रियान्वित कुल 9 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1 योजना का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने किया।
इस दौरान उनके साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त एवं सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिलान्यास होने वाली योजनाओं में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बस्ती इलाकों में बनने वाले सड़क निर्माण, चार दीवारी निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार समेत वृक्षारोपण शामिल है। साथ ही बिरसा नगर जोन नंबर 1 में जीर्णोद्धार हो चुके तालाब का उद्घाटन विधायक सज्जू राय ने किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे क्षेत्र में जनहित के कार्य हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही है। पूर्व के समय में काम होता ही नहीं था, लेकिन विगत तकरीबन 5 वर्षों से तेज गति से कार्य हुए हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। प्रशासन को पैसा मिलता है, भारत सरकार का ज्यादा योगदान रहता है, उस पैसे से योजनाएं पिछले 2 साल से बन रही थी, परामर्शी बहाल था और ये सारी योजनाएं पारित होकर आज एक तालाब का उद्घाटन हुआ है और करीब 15 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इससे इस क्षेत्र में विकास के काम को गति मिलेगी और क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। हमों को उम्मीद है कि इस निधि से और भी कई काम होने वाले हैं। अभी बड़ी योजनाएँ लंबित हैं, हफ्ता भर में उनकी भी स्वीकृति हो जाने की संभावना है। शीघ्र ही हम लोग फिर एक ऐसे और कार्यक्रम में मिलेंगे। आज जो भी योजनाएं हुई हैं इसमें राज्य सरकार का कम और भारत सरकार का ज्यादा योगदान। आसनमनी पंचायत अंतर्गत कांदरबेड़ा ऊपर डूंगरी स्थित महालीपाड़ा में मंगलवार को घसीराम लोहार के घर से सरकारी तालाब तक कुल 400 फीट PCC सड़क का शिलान्यास ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने शिलापट्ट का अनावरण कर और नारियल फोड़कर विधिवत रूप से किया। मौके पर विधायक सविता महतो ने बताया कि उक्त सड़क का निर्माण विधायक निधि से आवंटित कुल 5,55,500 की लागत से होना है। उक्त सड़क का निर्माण होने से महालीपाड़ा के निवासियों को आवागमन में काफी सुलभता होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश लायक, झामुमो केंद्रीय सदस्य काबुल महतो, पंचायत समिति सदस्य माधवी सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय महिलाओं ने अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से विधायक सविता महतो को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने उनकी सभी समस्याओं का तय समय के भीतर समाधान करने का आश्वासन दिया। चांदिल प्रखंड का आड़कबेड़ा डूंगरी ऊपर मोहली टोला 400 फीट का रोड का शिलान्यास हुआ, जो 5,50,000 की लागत से ये रोड का निर्माण। कदमा शास्त्री नगर स्थित आदर्श बाल मध्य उच्च विद्यालय में आज महाराणा ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की फाउंडर प्रेसिडेंट चंबा सिंह और संरक्षक कुमार अजय सिंह, भारतीय तरुण संघ के द्वारा संचालित आदर्श बाल मध्य उच्च विद्यालय में पूरे स्कूल का जायजा लिया गया। वे बच्चों से मिली, शिक्षकों से मिलकर बातचीत की और स्कूल का हाल जाना, स्कूल की व्यवस्था और बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल क्रियाकलापों में, साथ ही स्कूल के अच्छे शिक्षा हेतु उन्होंने स्कूल को घूमकर चारों तरफ से देखा। उनके आगमन पर बच्चों द्वारा एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें बच्चों ने श्रीमती रंभा सिंह का स्वागत किया और साथ ही नृत्य और गायन की प्रस्तुति दी। रंभा सिंह ने कहा कि स्कूल के संचालन में और स्कूल के विकास हेतु जितना हो सकेगा वह सहयोग करेंगे और बच्चों की शिक्षा, शिक्षकों के सहयोग हेतु वे आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगी। साथ ही संरक्षक कुमार अजय सिंह ने कहा कि आने वाले समय में विद्यालय के विकास हेतु जितना भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा वे करेंगे और स्कूल को प्राइवेट स्कूल के बराबर तरक्की दिलाने का काम करेंगे। एक्चुअली तरुण संघ जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा गरीब बच्चों को एक तरह से मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, उस विद्यालय के प्रांगण में हमारी महाराणा प्रताप की जो US की फाउंडेशन है उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट रंभा जी और पैट्रॉन कुमार अजय जी, ये दोनों आज इस विद्यालय परिसर में आए, तो उन्हीं के आने के कार्यक्रम में हमारे हमको मानस भाई बुलाए तो हमने आया। बड़ा अच्छा लगा विद्यालय का ये वार्तालाप देखकर, इस जमाने में भी 120 रुपया में कोई शिक्षा दे रहा है। जी, नो डाउट, हमेशा ले लोग हम लोग की यहाँ की जो पढ़ाई है उसकी साइंस हमारी पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में या ब्रिटेन में जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जोर फिर उसने अभी जो राजीव रंजन ने कहा एस्पिरेशन से गाते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, और फिर जो चुनते हैं उस मीडिया में आगे बढ़ते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा ने मंगलवार को CH एरिया के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। मौके पर विधायक सविता महतो ने बताया कि उक्त सड़क का निर्माण विधायक निधि से आवंटित कुल 5,55,500 की लागत से होना है। उक्त सड़क का निर्माण होने से महालीपाड़ा के निवासियों को आवागमन में काफी सुलभता होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश लायक, झामुमो केंद्रीय सदस्य काबुल महतो, पंचायत समिति सदस्य माधवी सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय महिलाओं ने अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से विधायक सविता महतो को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने उनकी सभी समस्याओं का तय समय के भीतर समाधान करने का आश्वासन दिया। चांदिल प्रखंड का आड़क बेड़ा डुंगरी ऊपर मोहली टोला 400 फीट का रोड का शिलान्यास हुआ, जो 5,50,000 की लागत से ये रोड का निर्माण। झारखंड का प्रमुख प्रजनन क्लिनिक अंकुरम IVF ने जमशेदपुर में अपना पहला वर्षगांठ पूरा कर लिया है, जिसे लेकर संस्थान के प्रबंधक और उनके सदस्य काफी गौरवान्वित हैं। क्लिनिक का उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ था। इससे पहले रांची से ही पूरे झारखंड में सेवा प्रदान की जाती थी, लेकिन जमशेदपुर में केंद्र स्थापित होने से जमशेदपुर और आसपास के निसंतान दंपति को काफी सुविधा हुई है। इन एक वर्ष में क्लिनिक के द्वारा 1500 दंपतियों की सेवा की गई है, जिसमें 100 से ज्यादा निःशुल्क शिविर आयोजित कर प्रारंभिक जांच की सुविधा, कंप्यूटर की सहायता से वीर्य विश्लेषण, अल्ट्रासाउंड, प्रजनन परामर्श जैसी सुविधा प्रदान की गई है। इसे लेकर क्लिनिक के केंद्र प्रमुख डॉक्टर नगमा अर्शी और भ्रूण विज्ञानी एवं निदेशक डॉक्टर राज नारायण साहू ने इस समस्या का मुख्य कारण जमशेदपुर के परिवेश और दूषित वातावरण को बताया है। उनका मानना है कि औद्योगिक नगर होने के कारण यहाँ ज्यादा गर्मी, धूल कण और हवा दूषित है, जिस वजह से नव जोड़ों में प्रजनन की शक्ति कम होती जा रही है। साथ ही वर्तमान समय में जंक फूड और खान पान को भी जिम्मेदार बताया है। उन्होंने नव दंपतियों से आग्रह किया है कि वे लोग दूषित वातावरण से बचे और हरी एवं ताजा सब्जियों को अपने खान पान में शामिल करें, जिससे इस समस्या को कम किया जा सकता है। ये अंकुरम IVF का जमशेदपुर का आज पहला वर्षगांठ रहा, उसी की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। और इस एक साल का जो सफर रहा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे लोग इससे मतलब काफ़ी सारे लोगों को इससे लाभ मिला है। और जो कहते हैं ना कि हमें भी काफ़ी प्यार मिला, लोगों ने हम पे भरोसा किया, भरोसे करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि IVF एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसमें लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो उन्होंने भी हमें भरोसा किया और हमने भी उनकी भरोसे को कायम रखा और काफ़ी अच्छा सफर रहा। एक्सप्लोर एक्सट्रीम द्वारा आज से जमशेदपुर के तुलसी भवन में 3 दिवसीय प्रदर्शनी विभिन्न वस्तुओं की लगाई गई है, जो 24, 25, 26 सितंबर तक चलेगी। इसमें 50 स्टॉल लगाए गए हैं। एक्सप्लोर एक्सट्रीम के फाउंडर CEO सात्विक तिवारी बताते हैं कि इस प्रदर्शन में दिल्ली, रांची, रामगढ़ सहित कई स्थानों से स्टॉल आए हैं। इस स्टॉल की खासियत यह है कि सभी स्टॉल महिलाएं द्वारा लगाई गई हैं और यहां पर 20 से लेकर 90% तक की छूट रही है। उन्होंने कहा है कि यह एक स्टार्टअप है, इनमें हमारी पत्नी ईशा सिंह भी CEO है। यह प्रदर्शन प्रत्येक दिन 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि अभी यह स्टार्टअप झारखंड में ही एग्जीबिशन आयोजन कर रही है, हमारा लक्ष्य इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। वहीं जमशेदपुर के टेलको से आई महिला दीप सिखा कहती है कि हमारा समान हस्तशिल्प का एक नमूना है, पहले हमारा यह शौक था, जब बच्चे बड़े हो गए तो बिजनेस के रूप में इसे करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है, उसी हिम्मत से हमने भी इसकी शुरुआत की है और मैं अन्य महिलाओं को भी जोड़ना चाह रही हूँ, उन्हें भी रोजगार देना चाह रही हूँ। जो महिला घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वही मुंबई से आई महिला गौरी बता रही है कि हमारे स्टॉल का नाम गौरी कलेक्शन है, हमारी खासियत डिजाइन की साड़ियाँ हैं जो हमने हाथ से निर्मित की है। एग्जीबिशन 24, 25 और 26 तुलसी भवन में लग रहा है एक्सप्लोर एक्सट्रीम के नाम से, एंड यहाँ पे बेसिकली 45-50 स्टॉल्स लगे हैं, ऑल फीमेल ओरिएंटेड, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का स्टॉल है यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, क्लोथिंग से लेके आपका फूडिंग, और अभी नया नया क्रूशे का चला हुआ है मार्केट में, तो क्रूशे, हैंडमेड क्रूशे आइटम और तोरण, बेसिकली दुर्गा पूजा आइटम्स आया हुआ है। अभी ये 3 दिन का है, ये जितना सारा कुछ मेरा हैंडमेड है, खुद से बनाते हैं, लॉकडाउन से स्टार्ट किया है, वो लॉकडाउन से बनाते बनाते सामान इतना ज़्यादा बन गया है कि फिर मेरे को एग्जीबिशन लगाने पड़ गया।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसईसीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।